नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं खबर टाइम, मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ, और आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु ज्ञान प्रयास मंगल के साथ। मंगल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मंगल जी आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे नहीं हमारे एक व्यूअर हैं जो बदरवास से हैं मोहित, उन्होंने पूछा है कि क्या शादी विवाह में भी व्यवधान आ सकता है अगर आपके घर में वास्तु दोष हो तो, थोड़ा सा बताइए। जय जिनेन्द्र। मोहित जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि क्या वास्तु दोष की वजह से भी शादी में विलंब हो सकता है। जी हाँ, आप निश्चित मानिए कि शादी में भी विवाह में विलंब आपके घर के वास्तु दोष के कारण हो सकता है। जैसे आपकी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, उसी प्रकार आपके घर में 4 दिशा और 4 विदिशाओं में भी 9 ग्रहों का वास होता है। शादी के लिए जो मुख्य ग्रह होते हैं वह शुक्र और गुरु, उनका मुख्य रोल होता है। जैसे आपकी कुंडली में गुरु अष्टमेश हैं या गुरु नीच के हैं, तब आपकी शादी में निश्चित रूप से ही विवाह में विलंब आएगा। लेकिन अगर आपके घर में, आपके ईशान कोण में जिसमें गुरु ग्रह का वास होता है वह सही है, सही उसमें तत्वों का बैलेंस है, तब निश्चित रूप से ही उस घर में शादी विवाह सही समय पर हो जाएंगे। अगर आपके घर में आपके ईशान कोण दूषित है या उसमें एंटी एलिमेंट है, और अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है या केंद्रस्थ है, उसके बाद भी आप निश्चित मानिए कि आपकी शादी में, विवाह में विलंब आएगा। अब बात रही कि शादी को फाइनल करने में मुख्य भूमिका होती है, वह होती है शुक्र की, जिसका वास होता है आग्नेय कोण में। अगर कोई भी संबंध आता है तो उसको फाइनलाइज करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है, जो कि घर के आग्नेय कोण में जिसमें शुक्र ग्रह का वास होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है और अगर आपके घर में साउथ ईस्ट अग्नि कोण में प्रॉब्लम है, तब निश्चित रूप से उस घर में शादी विवाह समय पर नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार जो तीसरा नंबर आता है वह आता है दक्षिण पश्चिम का कोण, नैरत कोण में, जिसमें राहु केतु का वास होता है, जिसमें पितरों का स्थान माना गया है। अगर पितृ अगर अपने पसंद नहीं है, तब निश्चित रूप से मानिए कि उस घर में शादी विवाह समय पर नहीं हो पाते। अगर यह तीन कोणों को आप सही कर लेते हैं, तब आपकी शादी सही समय पर अच्छे परिवार से और सबके सपोर्ट से ही होगी। मोहित जी मेरी तरफ से थैंक यू, क्योंकि यार क्वेश्चन ऐसा है कि सच में अगर मैं भी अभी जैसे ये वीडियो वगैरह हो जाएगा, इसके बाद मैंने जैसा अपना घर का भ्रमण कराऊंगा, दिखाऊंगा कहीं मेरा कोई सा कोण तो प्रॉब्लम में नहीं है। चलिए देखते, ऐसे ही कई समस्याएं अगर आप व्यूअर्स जो हमें बताते रहेंगे, हम आपको उनका हल देते रहेंगे। तो देखते रहिए ऐसे ही समस्याओं के हल के लिए वास्तु ज्ञान, और वास्तु ज्ञान आपको कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ खबर टाइम पे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर टाइम।